नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विदनो के न्यू आजाद नगर चौकी अंतर्गत पी ब्लॉक कुंज विहार यशोदा नगर में ससुराल आए लोडर चालक की साले ने कैदी से हमला कर हत्या कर दी। लोडर चालक पत्नी को प्रताड़ित करता था और इसी बात को लेकर उसका ससुर से विवाद व हाथापाई हो गया। बहन के बाद पिता से हाथापाई देखकर भाई ने गैती से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। मोहल्ले वालों की सूचना पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल गैती को बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना कर साक्ष्य एकत्र किए। जी हां, आपको बता दें, गंगापुर कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय भानु उर्फ अनुज वाजपेयी की शादी वर्ष 2008 में पी ब्लॉक कुचबिहार निवासी बीएसएनएल से सेवानिवृत्त कर्मी राम बाबू मिश्रा के साथ बच्चों में सबसे बड़ी बेटी संध्या के साथ हुई थी। उनके दो बच्चे 12 वर्षीय अनिकेत, 10 वर्षीय महक हैं। शादी के कुछ दिन बाद उससे ही नशे की लत भानु ने पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। आए दिन मारपीट होने पर शादी के दो साल बाद संध्या ने पति और ससुरालियों के खिलाफ बिदनू थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। इस बीच संध्या दो साल तक मायके में रही। वर्ष 2012 में चौकी में हुए समझौते के बाद वह ससुराल गई थी। समझौते के बाद भी भानु का रवैया नहीं बदला, आए दिन मारपीट करता था। रक्षाबंधन के दिन सुबह संध्या भाइयों को राखी बांधने के लिए मायके आई थी। रात में संध्या ने भानु को फोन करके ले जाने के लिए कहा था, जिस पर भानु लोडर लेकर आया। घर के बाहर वाले कमरे में बेटी के साथ मारपीट करने को लेकर राम बाबू मिश्रा ने भानु से आपत्ति जताई। पत्नी संध्या ने बताया कि पिता से भानु ने हाथापाई की तो बीए की पढ़ाई कर रहे भाई वीरू उर्फ अनुज ने बीच बचाव किया। इस पर भानु ने पास में रखी गैती से हमला कर दिया। छीना झपटी के दौरान सिर पर गैती लगने से भानु की मौत हो गई। वहीं उसके पिता शिवकांत वाजपेयी और मां कमलेश ने ससुरालियों पर घर बुलाकर गैती से हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मृतक के घर के सामने ही रहने वाली बहन नीरू शुक्ला ने बताया कि भाई भानु परिवार का एक लौता सहारा था। 5 साल पहले छोटे भाई जितेन उर्फ जीतो की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मृतक भानु के पिता शिवकांत का कहना है कि बेटा शरीर से स्वस्थ था, एक अकेले के बस का नहीं था कि बेटे को मार सकता। पूरे परिवार ने मिलकर बेटे की हत्या की है। सीओ खटमपुर पवन कुमार ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साले ने धारदार हथियार से लोडर चालक बहनोई की हत्या की। आरोपी को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आज क्या घटना हुई है? घटना मर्डर किया हमारे लड़के ने। आपके लड़के? जी, हमारे लड़के ने। आपके लड़के ने? जी। तो क्या कारण था? कारण था कि लड़ाई झगड़ा बेटियों में, दोनों में, ससुर माने दामाद भी बेटी भी हुआ, मारता पीटता था दामाद बेटी को। 14 साल करीब शादी हुई थी। एक बार कंप्लेन भी इनकी की गई थी, केस चला था और उसमें नेत्रपाल सिंह जी दरोगा जी थे, उन्होंने समझौता भी करवा दिया था। मुकदमा जो दहेज प्रथा का इनके ऊपर लगा था वो भी हमने वापस ले लिया था। इनको समझा बुझा के उसी उनके दरोगा जी के समझौते के अनुसार चल रहा था अभी तक। लेकिन बेटी को ना आने देते तो वो जब भी कभी यहाँ आते थे तो वहीं ऊसर में गाड़ी वहाँ खड़ी होती थी, वहीं से बुलाते थे। और जब यहाँ हमारे यहाँ छोड़ना होता तो वहीं छोड़ दिया जाओ। उसके बाद जब बुलाना होता था तो वो गाड़ी, जैसे भी गाड़ी आई घर, कभी हमारे अंदर नहीं आती। तो आज अचानक बेटी हमारी 12 बजे आई थी राखी बांधने बेटे को, तभी लेने आए थे वापस 8 बजे करीब दारू के नशे में। ज़्यादा ओवर नशे में थी लड़का, इधर किनारे की तरफ इसका मतलब किनारे खड़ा था, हम उस तखत पर सामने पड़ रहे थे, बैठे थे भागवत भागवत कहते हैं। इतने में पीछे से उसने 2-3-4 बार किए तो हमने उनको भानु बोल के ऐसे पकड़ करके अंदर के हमने अंदर छात भाग जाओ। भानुआ उनको पकड़ा, बीरू पकड़ा, बीरू क्या कर रहे यार तुम, क्या कर रहे हो, बहुत बीरू को पकड़ा। अब बुजुर्ग आदमी हम कितना पकड़ा है, किस चीज़ से वार किया है? क्या रहती नहीं लोहे की होती है गंदे उससे, जब तक बचाओ बचाओ 2-3 बार में। कितने समय की घटना है ये? करीब 8:15-8 बजे की घटना है। आपके उनका नाम भानु वाजपेयी, दामाद है।
आज दिनांक 22 अगस्त को थाना बिदनू के अंतर्गत कुंज विहार कॉलोनी में अनुज मिश्रा द्वारा अपने बहनोई भानु वाजपेयी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बिदनू पुलिस द्वारा अनुज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आला कत्ल को कब्जे में ले लिया गया है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल का निरीक्षण SP आउटर महोदय, एडिशनल SP आउटर महोदय और मेरे द्वारा कर लिया गया है। स्थिति सामान्य है।